नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो एक बार फिर से हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसमें बात होगी कौसाम्बी ज़िले के एक ऐसे किले की जो करीब 900 साल से भी अधिक पुराना है। साथ ही संक्षिप्त में बात होगी इस ऐतिहासिक किले की इतिहास की। इस किले के इतिहास से आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको चौंका देंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कौसाम्बी के कड़े में कड़ाधाम मंदिर के पास गंगा नदी के किनारे स्थित है यह ऐतिहासिक किला, जिसका निर्माण कन्नौज के राजा राजा जयचंद सिंह ने करवाया था, इसी कारण इसे राजा जयचंद का किला कहते हैं। कन्नौज के राजा राजा जयचंद का राज तिलक 1170 ईस्वी में हुआ था। राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को खूब बढ़ाया और यवन साम्राज्य का खात्मा किया। खुद का साम्राज्य बढ़ने के बाद उन्होंने सैनिकों के रुकने के लिए कड़ा में गंगा नदी के किनारे किले का निर्माण करवाया। इस किले से दिल्ली तक की सुरंग बनवाई गई। इतिहास के पन्नों पर दर्ज इसी सुरंग से जयचंद्र की सेना दिल्ली और कड़ा आती जाती थी। गंगा नदी के किनारे और कड़ाधाम मंदिर के समीप होने के कारण लोग इस किले के प्रति काफ़ी आकर्षित होते हैं। कड़ाधाम मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक शीतला माता का मंदिर है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। किन बढ़ते समय के साथ इस किले की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। समय के साथ अब किले का अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी सही से देख रेख न करना, अगर हालात ऐसे ही रहें तो कुछ वक्त बाद यह किले से खंडहर में तब्दील हो जाएगा, जिसके लिए आवश्यक है कि इस ऐतिहासिक इमारत को सजो के रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।